देश आज विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। विजय दिवस 16 दिसंबर का वो दिन जो भारत को मिली सबसे बड़ी जीत का दिन है। इसी दिन साल 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। इस जीत को पूरे देश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए आज एक बार फिर उस यादगार दिन को याद करते हैं। हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस या विक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्र के उन सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने इस युद्ध में अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। एक और तथ्य ये है कि इस दिन बांग्लादेश का जन्म हुआ था, इसलिए बांग्लादेश हर साल 16 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। देश की राजधानी नई दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवानों को ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिसका निर्माण 1971 में भारतीय जीत की ओर से किया गया था। पूर्व पाकिस्तान में कई वर्षों से आजादी को लेकर आंदोलन चल रहा था, जिसको दबाने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा आम बांग्लियों पर जमकर अत्याचार किया जा रहा था। इस दौरान भारत ने भी इस आंदोलन को समर्थन दे दिया। इससे नाराज पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर हवाई हमला कर दिया, जिससे यह बांग्लादेश स्वतंत्रता आंदोलन भारत पाकिस्तान युद्ध में बदल गया। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसी वक्त आधी रात को ऑल इंडिया रेडियो के जरिए पूरे देश को इस हमले की जानकारी देते हुए युद्ध की घोषणा कर दी थी। युद्ध के तहत इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को ढाका की तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया और भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी पाकिस्तान के अहम ठिकानों और हवाई अड्डों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। इस हमले से पाकिस्तान हिल गया और जनरल नियाजी ने युद्ध विराम का प्रस्ताव भेज दिया। युद्ध के 13वें दिन 16 दिसंबर की सुबह जनरल जैकब को मानेकशॉ का मैसेज मिला कि आत्मसमर्पण की तैयारियों के लिए तुरंत ढाका पहुंचे। उस समय जैकब की हालत बिगड़ रही थी। भारत के पास केवल 3000 सैनिक और वह भी ढाका से 30 किलोमीटर दूर। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एएके नियाजी के पास ढाका में 26,400 सैनिक थे। भारतीय सेना ने युद्ध पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली। भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर जगजीत अरोड़ा अपने दलबल समेत 1-2 घंटे में ढाका लैंड करने वाले थे और युद्ध विराम भी जल्द समाप्त होने वाला था। जैकब के हाथ में कुछ भी नहीं था। जैकब जब नियाजी के कमरे में घुसे तो वहां सन्नाटा छाया हुआ था। आत्मसमर्पण का दस्तावेज टेबल पर रखा हुआ था। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक रहा और पाकिस्तान को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इसलिए देश भर में भारत की पाकिस्तान पर जीत के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस युद्ध में तकरीबन 3,900 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और लगभग 9,851 घायल हुए थे। वहीं पाकिस्तान के कई हजार सैनिकों की मौत हुई थी। जब भारत को विजय मिली तब इंदिरा गांधी संसद भवन के अपने दफ्तर में एक टीवी इंटरव्यू दे रही थी। तभी जनरल मानेकशॉ ने उन्हें बांग्लादेश में मिली शानदार जीत की खबर दी। इंदिरा गांधी ने लोकसभा में शोर शराबे के बीच घोषणा की कि युद्ध में भारत को विजय मिली है। इंदिरा गांधी के बयान के बाद पूरा सदन जश्न में डूब गया। इस ऐतिहासिक जीत की खुशी आज भी हर देशवासी के मन को उमंग से भर देती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द वोकल न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करें।